सावित्रीबाई फुले एक दलित परिवार में पैदा हुईं, लेकिन तब भी उनका लक्ष्य यही रहा कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी को पढ़ने का अवसर मिले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म सतारा के एक छोटे से गांव में हुआ था। 10 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। सावित्रीबाई फुले के पति तब तीसरी कक्षा में थे, जिनकी उम्र 13 साल थी। शादी के बाद सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले की मदद से शिक्षा हासिल की। उनके पति एक दलित चिंतक और समाज सुधारक थे। 17 साल की छोटी सी उम्र में ही सावित्रीबाई ने लड़कियों को शिक्षित करना शुरू कर दिया था। सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1848 में खोला। सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूल खोले। बता दें कि उन्होंने 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला था। सावित्रीबाई हर जाति, जिसे समाज पढ़ाई लिखाई के काबिल नहीं समझता था, उन सभी तबकों की लड़कियों को शिक्षित करती थी। इसीलिए उन्हें भारत की पहली महिला अध्यापिका कहा गया। 1897 में प्लेग महामारी की चपेट में भारत के कई हिस्से आ चुके थे। सावित्रीबाई फुले प्रभावित जगहों पर पीड़ितों की सहायता के लिए जाती थीं, जबकि वो खुद भी इस महामारी की चपेट में आ सकती थीं। पीड़ित बच्चों की देखभाल के दौरान सावित्रीबाई भी प्लेग के संक्रमण में आ गईं और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे सावित्रीबाई फुले ने अंतिम सांस ली।